हे गाइस, दिस इज़ इमरान एंड यू आर वाचिंग टेक रिव्यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने फाइल या फोल्डर को कैसे हाइड करते हैं, वो भी बहुत ही एडवांस तरीके से बिना किसी सॉफ्टवेयर के, ताकि कोई भी एक नॉर्मल यूज़र आपके फाइल या फोल्डर को एक्सेस ना कर सके। तो देखते रहिए ये वीडियो। हेलो, वेलकम। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पेन ड्राइव है, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए ही वो शो कर रहा हूँ। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं टेस्ट। ओके, तो और एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट 2 के नाम से। अब एक नॉर्मल यूज़र किसी फोल्डर को हाइड करता है, तो ऐसे में एक नॉर्मल यूज़र अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करता है, प्रॉपर्टी पे चले जाता है, हिडन को टिक करता है, अप्लाई एंड ओके करके हाइड कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी दूसरा पर्सन आपके पीसी को यूज़ करता है, वो सिंपली ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन व्यू एंड शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स पे कर क्लिक करके अप्लाई ओके करता है, तो वो आपके फोल्डर को आसानी से देख सकता है, आपके कंटेंट को देख सकता है। तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप परमानेंटली अपने फोल्डर को हाइड कर सकते हो और सिर्फ आप ही उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो इस फोल्डर को सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाइड ही छोड़ देते हैं। ओके, और यहाँ से हिडन को इनविजिबल कर देते हैं। ओके, तो टेस्ट 2 नाम का जो फोल्डर था मैंने उसे हाइड कर दिया। तो अब हम ये जो ट्रिक है उसको टेस्ट नाम के इस फोल्डर पे हम ट्राई करेंगे। तो हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। सो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, सर्च में टाइप कीजिए cmd और इसे ओपन कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब हमें सिंपली बस यही करना है, ये कमांड टाइप करना है attrib प्लस एस स्पेस प्लस एच देन स्पेस और अपने फोल्डर का लोकेशन कि हमारा फोल्डर कहाँ पे स्टोर है, उसे फाइंड करने के लिए आप सिंपली जिस फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं उस फोल्डर में चले जाइए। तो मैं चले जाता हूँ इस टेस्ट नाम के फोल्डर में। ओके, अब सिंपली आप इस एड्रेस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको आपके फोल्डर की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, पूरा पाथ मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसे कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक एंड कॉपी। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए, इसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए और इसे इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टेस्ट नाम का फोल्डर था वो हाइड हो चुका है। अब हम नॉर्मल तरीके से इसे चेक करते हैं कि क्या वो तरीका जो हमने पहले यूज़ किया था उससे ये फोल्डर विजिबल होता है या नहीं होता है। तो सिंपली वैसे हम ऑर्गेनाइज पर जाते हैं, फोल्डर ऑप्शन व्यू और उसे शो कर देते हैं अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोल्डर मैंने हाइड किया था टेस्ट 2 नाम से वो तो विजिबल हो गया, लेकिन जो हमने कमांड के थ्रू हाइड किया था वो अभी विजिबल नहीं हुआ है। तो वो फोल्डर काफ़ी सिक्योर हो गया और आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं जान सकता कि आपने इस लोकेशन पे कोई फोल्डर या फाइल हाइड की हुई है। तो सिंपली अगर आपको अनहाइड करना है तो आपको वो लोकेशन याद रखनी पड़ेगी कि आपने वो फोल्डर एग्जैक्ट कहाँ पे हाइड किया था। ओके, तो हमें तो लोकेशन याद है कि मैंने इस ड्राइव में हाइड किया हुआ था। ओके, तो हम उसे अनहाइड करेंगे। तो अनहाइड करने के लिए बस सेम कमांड है attrib, बस यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको, जैसे
प्लस एस और प्लस एच की जगह पे माइनस एस और माइनस एच यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसे टाइप कर देते हैं और अपने फोल्डर का लोकेशन तो उसे पेस्ट कर देते हैं, इसे एंटर करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये हमारा जो फोल्डर हमने हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है, विजिबल हो गया है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह किसी फाइल को हाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट फोल्डर को ओपन कर लिया और इसमें एक सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ टेक। ओके, तो हमने एक टेक नाम का नोटपैड का फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फाइल हाइड करना है आपको, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। इस पर प्रॉपर्टी चल जाइए, इस फाइल का एक्सटेंशन नेम है .txt। तो अगर इसे हमें हाइड करना है तो बस आप कमांड ओपन कर लीजिए, एट्रिब प्लस एच स्पेस प्लस एच स्पेस उस फाइल का पाथ, तो मैंने इस ड्राइव में किया हुआ था टेस्ट फोल्डर, उसके बाद टेक जो हमारा फाइल का नाम है और .txt हमारे फाइल का एक्सटेंशन का नाम है, इसे हम एंटर कर देते हैं। ओके, वो हम चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, ये फाइल हमने हाइड कर ली। तो आपको PDF फाइल करना है तो फाइल का नाम .pdf, डॉक्यूमेंट करना है डॉक्यूमेंट फाइल का नाम, लास्ट में DOC, जो भी फाइल हाइड करना चाहते हैं उसका एक्सटेंशन आपको फाइल के बाद डालनी पड़ेगी। ओके, तब इसे अनहाइड कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है। ओके, एट्रिव -h फाइल का पाथ इंटर। ओके दोस्तों, तो देखा आपने, ये फाइल भी हमें वापस मिल गई, अनहाइड हो गई। तो ऐसे ही आप अपने फाइल या फोल्डर को कमांड के जरिए हाइड कर सकते हैं, जो काफ़ी सिक्योर तरीका है हाइड करने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दे दूँगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके स्क्रीन पर भी हमारे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।